नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई वाई फाइव ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की यानी कि जनरल साइंस की आपकी क्लास में डेली आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए इसमें कराता हूं, जो आपके लिए आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी का, एमटीएस का एग्जाम, जो आपका सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, या फिर रेलवे का, दिल्ली पुलिस स्टेट एग्जाम, किसी प्रकार के एग्जाम क्यों ना हो स्टेट का, उन सभी में जनरल साइंस से संबंधित, सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। इसमें आपके लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए क्वेश्चन है, और आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके जो बन सकते हैं एग्जाम में आने के लिए, वह आपकी ये सीरीज आपकी रोजाना इसलिए ये चलाई जा रही है सामान्य विज्ञान की आपके लिए। इन वीडियो को आप देख पूरा देखें, इससे बाहर आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन है इसी न्यू वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आपके लिए ये परीक्षा में आने वाले सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए रोजाना ये वीडियो में कराता हूँ। और मॉर्निंग में आपकी इंडिया जीके के अंतर्गत भारतीय संविधान की टॉपिक वाइज क्लास आपकी रोजाना हो रही है, उसे भी देखना नहीं बोले। एक एक प्रश्न उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हम कराते हैं। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, यदि आपका अच्छा लगे कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चनों को फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह अगर लिखित में से किसके रूप में होता है। अब आपसे पूछा है कार्बोहाइड्रेट का जो हमारे जो बॉडी है शरीर, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट का संग्रह हम करते हैं, वह अगर लिखित में से किसके रूप में होता है। शर्करा, मंड जिसे हम स्टार्च कहते हैं, या ग्लूकोज, या फिर ग्लाइकोजन के रूप में। सभी क्वेश्चनों का आप कमेंट करते रहें, आंसर देते रहें सभी क्वेश्चनों का। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप इन क्वेश्चनों को अपना आकलन करें कि आप कितने सही क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह अगलिखित में से किसके रूप में होता है, तो इसमें आपको याद रखना है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आपको ग्लूकोज नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है ग्लाइकोजन के रूप में आपका संग्रहित होता है कार्बोहाइड्रेट का आपके शरीर में, बॉडी में। फोर्थ नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वसा को वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। क्वेश्चन एक एक इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है, उसका आंसर बड़े सोच समझ के उसका आंसर देना है। वसा को वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, बताइए। ट्रिप्सिन, सेकंड ऑप्शन है लाइपेज, थर्ड है एरिफ्सिन, फोर्थ है एमिलेज, बताइए क्या हुआ इस प्रश्न का आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जो वसा को वसा अम्लों एवं ग्लिसरॉल में जो बदलता है, वह आपका लाइपेज यह कार्य करता है। लाइपेज का यह कार्य होता है, सेकंड नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लाइपेज, इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है शहद का प्रमुख घटक है, बताइए। ये क्वेश्चन आपसे आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, जो आपका शहद होता है उसका प्रमुख घटक क्या होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज, बताइए। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है, आपको नहीं ये नहीं करना है कि ग्लूकोज या सुक्रोज होगा इसका शहद का प्रमुख घटक, ये आप गलत करते हैं। शहद का जो प्रमुख घटक होता है वह आपका फ्रक्टोज होता है। क्या? फ्रक्टोज शहद का प्रमुख घटक माना जाता है। फोर्थ नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है, गुर्दा, फेफड़े, आंखें या फिर हृदय, बताइए। इसका आंसर सभी का कमेंट में आना चाहिए, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है, तो ये आपकी याद रखना है, हमेशा आपको याद रखना है गुर्दा की जो चिकित्सा होती है उसके अंत में उसमें डायलिसिस का हम प्रयोग करते हैं गुर्दे में। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा गुर्दा, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, आपका जो अमाशय है उसमें भोजन है जो आपके कितने समय तक आपका होता है, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, आपसे समय आपसे पूछा गया है अमाशय के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही कहा था, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, तो अमाशय के अंतर्गत आपके 3 घंटे आपको समय याद रखना है, आपके अमाशय में 3 घंटे तक भोजन रहता है, ये राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, पेप्सिन एंजाइम स्त्रावित होता है, जो पेप्सिन एंजाइम है वह स्त्रावित होता है अमाशय से, मुख गुहा से, आहार नाल के अंतिम सिरे से, या सभी जगह से, तो आपका पेप्सिन है जो आपका जो स्त्रावित होता है वह आपका राइट आंसर, पेप्सिन एंजाइम है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय में, आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया को त्यागने वाले जंतु कहलाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया को त्यागने वाले जंतु हैं वो क्या कहलाते हैं, बताइए। अमोनोटेलिक जंतु, यूरिकोटेलिक, एटेलिक या फिर यूटेलिक, इस प्रश्न का सही जवाब आपको हो जाएगा, जिसने अमोनोटेलिक जंतु
आंसर दिया है फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अमोनोटेलिस जंतु आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हाथी के बाहर की ओर निकले दांत निम्न में से किस प्रकार के होते हैं। हाथी के बाहर की ओर निकले हुए दांत निम्न में से किस प्रकार के लिए होते हैं। ये पुलिस कॉन्स्टेबल के एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था काफी बार, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कृंतक दंत आपका राइट आंसर, कृंतक दंत फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कृंतक दंत। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है। इस क्वेश्चन का आप जितना जल्दी हो सके आंसर दें, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि, फोर्थ नंबर ऑप्शन है या फिर थाइमस ग्रंथि। सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है, देखिए थाइमस ग्रंथि तो आपको पहले ही पता होना चाहिए, थाइमस ग्रंथि आपकी पाचन ग्रंथि नहीं होती है। अब आपको बताएं लार ग्रंथि आपकी लार ग्रंथि भी नहीं है पाचन का, तो आपका यकृत और अग्नाशय में से आपको बताएं सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है, तो आपकी यकृत हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है जो आपकी यकृत, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है, इसे स्टार मार्क लगा लें। यह क्वेश्चन आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपकी स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, यूरिक अम्ल, अमोनिया, प्रोटीन या फिर यूरिया। तो आपके स्तनधारियों के मूत्र में जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है वह हमेशा याद रखना यूरिया होता है, आपका एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यूरिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है। अब आपसे पूछा गया, आपसे ये नहीं पूछा गया निम्न में से कौन सा मानव हार्मोन है, अब आपसे पूछ लिया गया है निम्न में से आपसे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है ये पूछा गया है। चार ऑप्शन है एड्रेनालिन, इंसुलिन, सीक्रेटिन या फिर ऑक्सिन, इनमें से आपको बताना है। तीन तो है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एड्रेनालिन है जो आपका एक मानव हार्मोन है, आपका इंसुलिन मानव हार्मोन है, सीक्रेटिन मानव हार्मोन है, और आपका बच्चा आपका जो है ऑक्सिन आपके मानव हार्मोन नहीं है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर इंसुलिन। देखिए ऑक्सीजन तो होगा नहीं, ये तो आपका सीधा गलत है, अब आपको इसमें चार तीनों में से बताना है क्या आंसर होगा। इंसुलिन ये भी नहीं होगा, अब आपके सामने बचे हैं एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, दो ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर छांटना है। तो स्त्री जो आपका फीमेल हार्मोन होता है वह आपका एस्ट्रोजन है, इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा एस्ट्रोजन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस उपद्वीप द्वीप पाए जाते हैं, लैंगरहैंस उपद्वीप पाए जाते हैं यकृत में, पैंक्रियाज में, पिट्यूटरी में या पिलिया में, बताइए। जो आपके लैंगरहैंस हैं ये आपके पैंक्रियाज में पाए जाते हैं, पैंक्रियाज में, सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, जो आपकी ब्रेन है इनकी इसकी बीमारी को किससे पहचाना जाता है, EEG से, सेकंड ऑप्शन है EEC से, थर्ड ऑप्शन है EMG से, फोर्थ ऑप्शन है EKG से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी स्टार मार्क लगा लें, यह आपसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीमार ब्रेन की बीमारी को अगर पहचानना है तो उसको पहचाना किससे जाता है बताएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा EEG से, जो EEG है इससे इसे पहचाना जाता है ब्रेन की बीमारी को, आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, एड्रेनल, पैनक्रियाज, थायराइड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, बताइए मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है जो आपकी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ग्रंथि है पिट्यूटरी, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा इस प्रश्न का, फोर्थ नंबर ऑप्शन। दोस्तों आपके लिए हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए, एग्जाम आपके प्रिपरेशन आपकी बेहतर हो सके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके लिए रोजाना आपकी वीडियो अपलोड होती है, और वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें। क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र पर मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण रखता है, तंत्रिका तंत्र पर जो मस्तिष्क का कौन सा भाग है वह नियंत्रण रखता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला, मेरु रज्जु, बताइए। तो तंत्रिका तंत्र का जो मस्तिष्क का जो है वह प्रमस्तिष्क जो भाग होता है वह नियंत्रण रखता है, आपको याद रखना प्रमस्तिष्क का भाग जो आपको नियंत्रण रखता है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए तंत्रिका तंत्र का मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण रखता है, तो प्रमस्तिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है, आप जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्त्रावित कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, तो इसमें थायराइड से ही बना है थायरोक्सिन, आपको याद रखना है थायराइड से ही बना है थायरोक्सिन, आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
थायरोक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। अब आपसे पूछा जाए थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो ये आपका सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें घेंगा यानी कि जिसे हम गलगंड के नाम से जानते हैं, जो आपका गले में होता है, थर्ड नंबर ऑप्शन से हो जाएगा घेंगा रोग, आपका राइट आंसर हो जाएगा गलगंड। घेंगा भी लिखा जा सकता है या फिर गलगंड, इन दोनों नामों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शरीर संतुलन मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शरीर है जो बॉडी है वह संतुलित मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है बताएं, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या मेरुरज्जु। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, सेकंड नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, नर हार्मोन कौन सा है। अब आपसे पूछा गया जो मेल हार्मोन है वह कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या उपरोक्त सभी। नर हार्मोन कौन सा है, तो नर हार्मोन सीधा आपको पता होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन है जो नर हार्मोन है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन से हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारी विकास हार्मोन कौन सा है यानी कि फीमेल डेवलप हार्मोन कौन सा है, नारी विकास हार्मोन कौन सा है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन या ग्लूकागोन बताइए। तो इसमें एस्ट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन है वह नारी विकास हार्मोन है, सेकंड नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नारी विकास हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है, इसका आंसर बताना है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, लीवर है, पिट्यूटरी ग्लैंड बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो आपका राइट आंसर, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पार्किंसंस बीमारी में होती है, पार्किंसंस बीमारी में होती है बताइए। इस प्रश्न को भी आप स्टार लगा लें, ये आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्किंसंस बीमारी में होती है बताइए, डोपमिन की अधिकता से, डोपमिन की कमी से, मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया की क्षति से बताएं, या फिर सेकंड और थर्ड दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, डोपामिन की कमी से, और दूसरा मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया की क्षति से, ये आपका दोनों इसमें सही है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड दोनों आपका सही है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से अजैविक घटक नहीं है, निम्न में से अजैविक घटक कौन सा नहीं है, प्रोटीन, क्लोरोफिल, बैक्टीरिया, प्रकाश। तो आपका अजैविक घटक है जो आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया नहीं है, थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति की श्रृंखला कहलाती है, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति की श्रृंखला क्या कहलाती है, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह, पोषक स्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला, आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खाद्य जाल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, खाद्य जाल से संबंधित कौन सा कथन है वो आपको बताना है, सत्य है बताएं। देखिए, खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर संबंधित जाल है, यह भी आपका सत्य है। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाना यह भी आपका सत्य है। वैकल्पिक परिपथ उपस्थित होना यह भी इसका सही है, उपरोक्त सभी इनके तीनों ऑप्शन आपके जो दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए अल्टोनियन प्रामिड की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, अल्टोनियन प्रामिड की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, चार्ल्स एल्टन ने, ओडम ने, टेंसले ने या लैंडमैन ने। तो आपके अल्टोनियन प्रामिड की जो अवधारणा है यह आपके चार्ल्स एल्टन के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था, चार्ल्स एल्टन नाम याद रखना है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा चार्ल्स एल्टन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न ऊर्जा के प्रामिड होते हैं, ऊर्जा के प्रामिड होते हैं सदैव सीधे, सदैव उल्टे, कभी सीधे या फिर कभी उल्टे, उक्त में से कोई नहीं बताइए, जो ऊर्जा है उसके प्रामिड किस प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सदैव सीधे, आपके राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा के प्रामिड हैं वो सदैव सीधे होंगे, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सदैव सीधा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है इनकी एनर्जी का वह किस प्रकार से होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, उपरोक्त सभी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दिशीय होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है वह एक दिशीय होता है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से उत्पादक है, अब आपको बताना है
निम्न में से आपके जो चार ऑप्शन है इनमें से आपका पदक कौन सा, शाकाहारी जीव, घास, मांस, मच्छी जीव या फिर कवक। आपसे पूछा गया उत्पादक, तो उत्पादक की यदि बात आए तो आपका जो घास है वह आपका एक उत्पादक होता है, घास आपका उत्पादक होता है। सेकंड नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, घास आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थे आज के जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर रोजाना आपको ईवनिंग में आपको देखने को मिलती है सामान्य विज्ञान की, मॉर्निंग में आपकी इंडिया जीके के अंतर्गत भारतीय संविधान की टॉपिक वाइज बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी रोजाना हो रही है इस चैनल पर, तो उसे भी देखना नहीं भूलें। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें प्रीवियस एग्जाम आयोग क्वेश्चन को में कराया जाता है। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, सेशन को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।